हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्शन, जिसे हम लीड भी कहते हैं, ठीक है। और उससे किस तरह से हम स्ट्रक्चर और सरफेसेस को पता लगा सकते हैं। तो बेसिकली जो लीड होता है वो क्या होता है, एक तरह का इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्शन ही होता है। बस इसमें दो डिफरेंस है। फर्स्ट तो यही है कि इसमें हमको लो एनर्जी ओके इलेक्ट्रॉन लेने हैं, और सेकेंड जो यहाँ पर हमारे पास में जो सैंपल होगा वो क्या होगा, सरफेस होगी ऑफ जो क्रिस्टल है उसकी सरफेस होगी, ठीक है। ये आपको दो इसमें डिफरेंस पता होना चाहिए, जो इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्शन है और जो हमारे पास में लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्शन है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्शन होता है, लीड इज़ वन ऑफ द मोस्ट इन्फॉर्मेटिव टेक्निक फॉर डिटरमाइनिंग द अरेंजमेंट ऑफ एटम क्लोज टू सरफेस। तो ये टेक्निक जो है केवल हमारे को इन्फॉर्मेशन देती है अरेंजमेंट ऑफ एटम क्लोज टू सरफेस, ठीक है। जो एटम क्लोज होंगे सरफेस के उनके ही बारे में हमारे को ये टेक्निक जो है बताती है। लीड इज़ जनरली इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्शन बट द सैंपल इज़ नाउ द सरफेस ऑफ ए सॉलिड, ठीक है। ये क्या है, एक तरह का इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्शन ही है, बट जो हमारे पास में सैंपल होगा वो क्या होगी, सरफेस ऑफ सॉलिड होगी। द यूज़ ऑफ लो एनर्जी, इसमें एनर्जी की रेंज क्या होती है, 10 to 200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स होती है। तो लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन कोरस्पॉन्डिंग टू वेवलेंथ इन रेंज 100 to 400 पिकोमीटर एंश्योर दैट द डिफ्लेक्शन इज कॉज्ड ओनली बाय एटम ऑन एंड क्लोज टू सरफेस, ठीक है। तो हम लो एनर्जी और जो वेवलेंथ है इसका यूज़ क्यों करते हैं, ताकि जो हमारे पास में डिफ्लेक्शन हो केवल जो एटम क्लोज टू सरफेस है उनके ही द्वारा हो, ठीक है। द एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट फॉर लीड कंसिस्ट ऑफ, तो हमारे पास में जो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट होता है लीड के अंदर, उसके अंदर हमारे पास में कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास में होता है सैंपल कंटेनर, सेकंड होता है इलेक्ट्रॉन गन, और थर्ड होता है ग्रिड्स, और फोर्थ होता है हमारे पास में फॉस्फोर स्क्रीन, ठीक है। तो फॉस्फोर स्क्रीन का हम यूज़ क्यों करते हैं, डिटेक्ट करने के लिए जो हमारे पास में स्केटर्ड या फिर हम कह सकते हैं जो हमारे पास में डिफ्रेक्टेड बीम आती है इलेक्ट्रॉन की, उसको डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है। सैंपल कंटेनर में हमारे पास में सरफेस ऑफ सॉलिड होगी सैंपल के रूप में, इलेक्ट्रॉन गन से हमारे पास में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो होंगे हमारे को मिलेंगे, और ग्रिड से हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को जो है एक डायरेक्शन के अंदर जो होगा क्या करेंगे, कंसनट्रेट करेंगे, ठीक है। द इलेक्ट्रॉन डिफ्रेक्टेड बाय सरफेस लेयर्स आर डायरेक्टेड बाय फ्लोरोसेंस, डिटेक्टेड बाय फ्लोरोसेंस, ठीक है। दे प्रोड्यूस ऑन द फॉस्फोर स्क्रीन। तो फ्लोरोसेंस क्या होता है, बेसिकली जैसे ही हमारे पास में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो डिफ्रेक्ट होकर जब हमारे पास में स्क्रीन है उससे टकराएंगे तो वहाँ पे क्या होगी, चमक उत्पन्न होगी, ठीक है। वो क्या करेंगे, लाइट को जो होगी प्रोड्यूस करेंगे यहाँ पे। तो जैसे जैसे यहाँ पे आएंगे आपको इस तरह से क्या होगी, यहाँ पे चमकती हुई जो होगी चीज़ दिखाई देगी यहाँ पे, ऐसे ऐसे जैसे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन टकराएंगे वहाँ पे। तो इसको हम क्या कहते हैं, फ्लोरोसेंस कहते हैं, ठीक है, प्रतिदीप्ति कहते हैं। द इलेक्ट्रॉन डिफ्रेक्टेड बाय सरफेस लेयर्स आर डिटेक्टेड बाय फ्लोरोसेंस, दे प्रोड्यूस ऑन द फॉस्फोर स्क्रीन। तो फॉस्फोर स्क्रीन पर जैसे जैसे आपको फ्लोरोसेंस दिखेगी तो आप डिटेक्ट कर सकते हो इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्शन को। अब हम देखेंगे एपरेटस क्या यूज़ होता है लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्शन के लिए। तो कुछ इस तरह का हमारे पास में क्या होता है, प्रैक्टिकल अरेंजमेंट होता है फॉर हमारे पास में लीड एक्सपेरिमेंट के लिए। तो इसके अंदर हमारे पास में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन गन होती है, जैसा कि मैंने आपको उसके एपरेटस के अंदर ही बताया था। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन गन होगी, और यहाँ पे हमारे पास में ग्रिड्स होती है, और ये जो है फॉस्फोर स्क्रीन होती है, और यहाँ पर हमारे पास में सैंपल होता है। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन गन है यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएंगे, और यहाँ पे जो होंगे इसे टकराएंगे और डिफ्रेक्ट होकर वेरियस एंगल पे यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। और जैसे ही ये फॉस्फोर स्क्रीन से टकराएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, फ्लोरोसेंस जो होगा वो उत्पन्न होगा, और अपन को क्या होगा, यहाँ पे चमक दिखाई देगी, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे डिफ्लेक्शन हो रहा है। और यहाँ से जो होता है व्यूविंग पोर्ट होता है, जहाँ से हम देख सकते हैं कि जो डिफ्लेक्शन हो रहा है लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्शन वो किस तरह से हो रहा है, ठीक है। और यहाँ से इसको जो है मूव भी कर सकते हैं हमारे पास में जो सैंपल है, ताकि जो डिफ्लेक्शन है उसके लिए जो कंडीशन है उसको हम सेटिस्फाई कर सकें। तो कुछ इस तरह से हमारे पास में क्या होता है, प्रैक्टिकल अरेंजमेंट होता है। अब हम देखेंगे कि इससे जो लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्शन है उससे स्ट्रक्चर ऑफ सरफेस किस तरह से पता लगाई जाती है। तो अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सरफेस लीड से हम किस तरह से पता लगा सकते हैं। तो जो हमारे पास में लीड पैटर्न्स होते हैं वो पोर्ट्रे करते हैं द टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ द सरफेस। तो इससे हमारे को क्या मिलती है, टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर मिलती है सरफेस की। इट इज़ पॉसिबल टू मेजर द थिकनेस ऑफ द सरफेस लेयर एंड आल्सो टू इन्फर सम डिटेल्स अबाउट द वर्टिकल लोकेशन ऑफ द एटम्स बाय स्टडिंग द डिफ्रेक्शन इंटेंसिटी विच डिपेंड ऑन द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन बीम, ठीक है। तो इससे हमारे पास में जो थिकनेस होती है जो मटेरियल है या फिर जो सरफेस है उसकी भी हमारे पास में थिकनेस का भी हम पता लगा सकते हैं, ठीक है, सरफेस का। और इसके साथ ही जो हमारे पास में जो है टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर भी मिल जाती है हमारे को सरफेसेस की। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ सरफेसेस को क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ LEED, यानी कि लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्शन। अब हम देखते हैं कि इसके पैटर्न्स हम किस तरह से पता लगाएंगे कि जो हमारे पास में सरफेस है वो वेल ऑर्डर्ड है या फिर नहीं है। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि अगर लीड पैटर्न शार्प है,
ठीक है, लीड पैटर्न इज शार्प इफ द सरफेस इज वेल ऑर्डर्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कंपेयर्ड विद द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर हमारे पास में लीड पैटर्न शार्प आता है, इसका मतलब क्या है कि सरफेस जो है वेल ऑर्डर्ड है, लेकिन अगर हमारे पास में लीड पैटर्न जो है डिफ्यूज आता है, वो शो करता है पुअरली ऑर्डर्ड सरफेस ऑफ द और प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज़। ठीक है, अगर हमारे पास में शार्प लीड पैटर्न आता है, इसका मतलब तो क्या है, सरफेस जो है वेल ऑर्डर्ड है, और अगर डिफ्यूज लीड पैटर्न आता है, इसका मतलब सरफेस क्या है, पुअरली ऑर्डर्ड है। ठीक है, या फिर हमारे पास में क्या है, इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट है। द पैटर्न इज अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ ट्रेसेस टेप्स एंड किंक्स इन सर्फेसेस। ठीक है, ये सारे हमारे पास में फैक्टर्स होते हैं जिससे भी हमारे पास में जो लीड पैटर्न है वो अफेक्ट होता है। अब हम देखते हैं कि जो लीड है उसकी हमारे पास में क्या एप्लीकेशंस होती है। सो लीड इज़ वन ऑफ द मोस्ट इन्फॉर्मेटिव टेक्निक्स फॉर डिटरमाइनिंग द अरेंजमेंट ऑफ एटम क्लोज टू द सर्फेसेज। जैसा कि हमारे पास में इसके जो फर्स्ट हमने इसकी एप्लीकेशन देखी थी, उसे ही हमारे को पता लग जाता है कि जो लीड है उसका हमारे पास में यूज़ क्या होता है। जो एटम्स होते हैं क्लोज टू द सरफेस, उनकी अरेंजमेंट पता लगाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। लीड पैटर्न मे बी यूज टू एक्सेस द डिफेक्ट डेंसिटी। तो लीड पैटर्न का हम किसके लिए यूज़ कर सकते हैं, डिफेक्ट डेंसिटी का पता लगाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि अगर हमारे पास में लीड पैटर्न शार्प नहीं आएंगे तो उससे हमारे को पता चल जाएगा कि जो हमारे पास में इम्प्योरिटीज़ हैं वहाँ पर प्रेजेंट है, या फिर हमारे पास में कोई डिफेक्ट है तो वो हमारे को पता चल जाएगा। तो इस तरह से ये हमारे पास में कुछ एप्लीकेशंस होते हैं लीड के। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि लीड क्या होता है और किस तरह से जो है इसकी एपरेटस होता है और इसकी एप्लीकेशन क्या क्या होती है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।